मध्य प्रदेश के जबलपुर के बाद अब ग्वालियर चंबल में यानी कि ग्वालियर में 21 जुलाई को प्रियंका गांधी की आम सभा होने जा रही है, जिसको सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है यानी कि अजय सिंह, दिग्विजय सिंह सहित कई सारे जो बड़े नेता है, उन्होंने कैंप करना भी ग्वालियर में शुरू कर दिया है। और उसके साथ ही कांग्रेस है वो घर घर पीले चावल देने जा रही है, यानी कि पीले चावल देकर आमंत्रित कर रही है कि प्रियंका गांधी जी की सभा में आइए, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाना है। अगर ये भीड़ जुटाना है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लोगों को घर घर जाकर आमंत्रित करना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस के जो लोग हैं वो पीले चावल देकर निकले हुए हैं लोगों को आमंत्रित करने के लिए। भाई साहब, पीले चावल देकर आमंत्रित करने निकले हुए। आज जन जन की प्रिय प्रियंका गांधी जी ग्वालियर पधार रही हैं। आज पूरी देश की आशा की किरण, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार युवा हो, चाहे केंद्र की सरकार द्वारा चली गई ये जनता आज केवल देख रही है तो राहुल गांधी की जी की तरफ। और प्रियंका गांधी जी की बात करें ग्वालियर चंबल में, तो किस तरह का उनका सभा रहने वाली है, कहाँ होगी, किस तरह का कार्यक्रम है अभी तक? जनता में भारी उत्साह है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जनता की समस्या का निवारण करने की अगर आशा कोई दिखाई देती है युवाओं की, किसान की, मजदूर की, तो वो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। सब में उत्साह है, किसानों में, युवाओं में, मजदूरों में, दुकानदारों में, आम जनता में भारी उत्साह है। लाखों की भीड़ होगी प्रियंका जी की जन आक्रोश रैली में। भाई जो प्रियंका गांधी की जो सभा है कहां पर होने वाली है, और कितने लोगों का लक्ष्य लेके चल रही है कांग्रेस कि कितने लोग इस सभा में पहुंचने वाले हैं, और क्या जिस तरह से जबलपुर में नर्मदापुरम में जाकर उन्होंने पूजा पाठ की थी, क्या मध्य ग्वालियर में कुछ ऐसा क्या रहने वाला है? अभी ग्वालियर में ये प्रोग्राम है कि जन आक्रोश रैली के साथ साथ वो महारानी लक्ष्मीबाई जी की स्टेचू पे माल्यार्पण करेंगी, और हजारों नहीं लाखों की भीड़ जन आक्रोश रैली में आपको देखने को मिलेगी। जनता के अंदर भारी उत्साह है, जनता के अंदर जोश है, और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का जज्बा है, क्योंकि ये प्रदेश की जो सरकार है वो जनादेश की सरकार नहीं है, वो लोकतंत्र की सरकार नहीं है, वो छल कपट से हत्याई हुई सरकार है, जनता के जनादेश का अपमान करने वाली सरकार है। तो जनता जिसका जनादेश का अपमान हुआ है, जनता इनको माफ नहीं करेगी और भारी सशक्त देगी, और प्रियंका जी की रैली में लाखों की भीड़ इकट्ठी होगी। कहा जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग के जो इशू है, मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को इकट्ठा भी किया जा रहा है, जिसको प्रियंका गांधी है वो मंच से उठाएंगी, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, जिस तरह से अभी महिलाओं के अपराध हुए। हाँ बिल्कुल उठाएंगी, और ये बदलाव है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा बदलाव है, और बदलाव का आगाज प्रियंका जी के आने से शुरुआत हो जाएगी। और आप मान के चलना कि चंबल इतिहास रचेगा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नारा दिया था, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस तरह का भी कुछ देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, महिलाओं के लिए तो प्रियंका जी दिन रात लड़ती हैं, और महिलाओं की वो आज पूरे देश की बुलंद आवाज हैं, और हमें लगता है कि इस बार की महिलाओं का हमें भरपूर समर्थन और सहयोग मिलेगा। और आप रैली में भी देखना कि महिलाओं का कितना बड़ा जनसमूह आएगा, और ये सारा जनसमूह इस प्रदेश में बदलाव के लिए मुड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पीले चावल देकर निकल पड़े हैं, लोगों को पीले चावल देकर आमंत्रित कर रहे हैं, और ऐसे में ऐतिहासिक सभा की बात कर रहे हैं कि ऐतिहासिक सभा होगी, 1 लाख से ज्यादा की भीड़ होगी। साथ ही जिस तरह से जो मेन मुद्दा है ग्वालियर में देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर वहां पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी, क्योंकि ऐसा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जो चंबल है सिंधिया के गढ़ के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब उस गढ़ को यानी कि उस किले को भेदने का जो काम है वो प्रियंका गांधी स्वयं सभा से करने वाली है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।